कितना बार उसका सूचना दे दिया, ये तीसरा बार पानी आया, कई बार उसके बोल दिए कि अपना मकान बनाओ, खरीद करो ना तो बिक्री करो, कुछ भी नहीं कर रहा, दोनों में कोई नहीं कर रहा, दोनों सुन नहीं रहा, दोनों तेल फगल गए था पूरा। 10-12 लोग का मेरा लड़का सब कोई के निकाल दिया, उसके बाद में करंट फैल गया, उसी में बाबू रह गया मेरा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी दिल्ली जैसा हादसा हुआ है। भारी बारिश की वजह से यहाँ एक बेसिन में पानी भरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में एक व्यक्ति को बचा लिया गया है। देर रात से ही जयपुर में बारिश का दौर जारी है, जैसे कि पानी भरने के कारण दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 IAS उम्मीदवारों की मौत के कुछ दिनों बाद राजस्थान के जयपुर में भी ऐसी ही त्रासदी होना, जहां 4 साल की लड़की सहित 3 लोगों की जान चली गई। बारिश ने इस कदर अपना कहर बरपाया है कि बुधवार की रात मकान की दीवार ढहने से करीब 25 लोग घरों में फंस गए, जिसकी सूचना पाकर लोगों ने तुरंत बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान एक मासूम सहित 3 लोग बेसमेंट में भरे पानी में डूब गए। ये घटना विश्वकर्मा इलाके में हुई, जहां 2 घरों के बेसमेंट में पानी भर गया, जिससे 2 वयस्कों और 1 बच्चे की मौत हो गई। बचाव अभियान शुरू होने के 7 घंटे बाद शव बरामद किए गए। जयपुर के विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया का ये मामला है। यहाँ एक फैक्ट्री के बेसमेंट में मजदूर परिवार रहता था। रात में बेसमेंट में पानी भरने से एक मजदूर, उसके मासूम बेटे और एक अन्य रिश्तेदार की मौत हो गई। जयपुर के बेसमेंट में पानी भरने के बाद सिविल डिफेंस और SDRF की टीम ने एक व्यक्ति को रेस्क्यू कर लिया। भारी बारिश के कारण पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है। देश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के कारण हुए जल भराव के कारण बेसमेंट मौत का जाल बनता जा रहा है। दिल्ली के साथ ही राजस्थान में भी बीती रात जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से प्रदेश की राजधानी जयपुर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। जयपुर में शहर के कई हिस्सों में करीब 2-3 फीट तक पानी भरा रहा। कई कॉलोनियां डूब गई, बाजारों का भी बेहाल बुरा हाल नजर आया। इतना ही नहीं, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल में भी पानी भर गया। मौसम विभाग ने गुरुवार को 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। ऐसे में जयपुर के अंदर बेसमेंट में हुई इन 4 लोगों की मौत और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। उसका सूचना दे दिया, ये तीसरा बार पानी आया, कई बार उसके बोल दिए कि अपना मकान बनाओ, खरीद करो ना तो बिक्री करो, कुछ भी नहीं कर रहा, दोनों में कोई नहीं कर रहा, दोनों सुन नहीं रहा, दोनों तेल फगल गए था पूरा। 10-12 लोग का मेरा लड़का सब कोई के निकाल दिया, उसके बाद में करंट फैल गया, उसी में बाबू रह गया मेरा।